हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अखिलेश कुमार फ्रॉम स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में व्यू मेनू पढ़ेंगे। व्यू मेनू में देखेंगे कैसे व्यू मेनू का ऑप्शन काम करता है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और क्लास अटेंड करके आप सीख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरी डिटेल्स में। तो इससे पहले फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, टोटल आपको वन बाई वन करके टोटल बता दिया गया, समझा दिया गया बहुत अच्छे तरह से। आप इसमें जाइए, एक बार देखते ही आप समझ जाइएगा कैसे काम करता है ऑप्शन। आज हम लोग व्यू मेनू पढ़ेंगे। व्यू मेनू में देखते हैं पहला क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मल पेज में काम कर रहे हो दिखा रहा है। पेज ब्रेक कीजिएगा तो ये दिखा देगा कि आपका टोटल पेज ये है, बहुत सारा डाटा रहेगा तो एक बार में दिखा देगा। फिर नॉर्मल कर देंगे, पेज लेआउट है, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तीन, देख रहे हैं तीन कॉलम में यहाँ डिवाइड कर दिया। आप इसमें हेडिंग, ओल्ड पेज हेडर, ओल्ड पेज हेडर, ओल्ड इवेंट बना सकते हैं आप। ओल्ड में से ए 1 3 5 पेज नंबर दे सकते हैं, इवेंट में 2 4 6 दे सकते हैं, ये सब आप यहां से दे सकते हैं। हेडर में कुछ देना चाहते हैं, पेज नंबर, पेज नंबर दे सकते हैं यहां पे, है ना। वन दे अलग क्लिक करेंगे इसमें आ जाएगा। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। उसी तरह क्या है, देखिए फिर क्या है, फुटर में दे सकते हैं, फुटर में क्लिक कीजिए, फुटर में अब जो देना है दे सकते हैं क्लिक करके। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पेज नंबर है। हेडर फुटर सेट करने के लिए पेज लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑप्शन उसको भी समझ लेते हैं। फिर क्या है, इसमें पेज नंबर है, चाहते हैं हमको इसमें पेज नंबर देने का तो ऑटोमेटिक इस पर क्लिक करते ही ले लेगा। देखिए पेज नंबर क्लिक किए, अलग क्लिक यहाँ पर क्लिक कर दें दूसरे कॉलम, देखिए यहाँ पर एक नंबर ले लिया। अगर चाहते हैं इसको फिर डिलीट करना चाहते हैं इसको डिलीट कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ पेज कितना है, इस पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ले लेगा। क्लिक अलग कीजिएगा ऑटोमेटिक दो नंबर है, नंबर्स ऑफ पेज, पेज दो खुला हुआ है, दो नंबर पेज, टू पेज खुला हुआ है, 1 2। उसके बाद करेंट डेट दे देना चाहते हैं, अगर हेडिंग में करेंट डेट देना चाहते हैं तो डिलीट करेंगे। जैसे इसको डिलीट करना है तो बैक स्पेस देंगे, बैक स्पेस से डिलीट हो जाएगा। फिर अलग कर्सर रखेंगे यहाँ पर, वो डिलीट हो जाएगा। अब चाहते हैं करेंट डेट, अगर हेडिंग में करेंट डेट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। हेडिंग का काम टोटल है, फुटर का अलग क्लिक करेंगे यहाँ पे इस कॉलम में, तो देखिए डेट दे दिया, करेंट डेट। करेंट टाइम चाहिए, जहाँ चाहिए कर्सर रखें करेंट टाइम पर क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक करेंट टाइम ले लिया। इसको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके बैक स्पेस देंगे, अलग क्लिक करेंगे कॉलम में तो मिट जाएगा। तो करेंट डेट, करेंट टाइम भी देखना सीख गए। फाइल पाथ, इस फाइल का पाथ देखना चाहते हैं देना तो यहाँ से फाइल पाथ भी दे सकते हैं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं बैक स्पेस है। अभी चाहते हैं फाइल नेम, फाइल नेम देखना, तो फाइल नेम पर क्लिक किया ऑटोमेटिक दिखा देगा बुक वन पे आप लोग काम कर रहे हैं। इसको डिलीट करना है बैक स्पेस देंगे, डिलीट कर देंगे। सीट नेम देखना है तो सीट नेम भी दे सकते हैं, सीट नंबर 1 पे हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 दे दिए, ऑटोमेटिक देने की जरूरत नहीं, क्लिक करते हैं आपको। अगर हेडिंग देना है, फुटर, डेट, टाइम, करंट, तो करंट टाइम, तो ये सब आप दे सकते हैं। पिक्चर भी देना है तो पिक्चर भी दे सकते हैं, क्लिक करते ही बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स, उसमें से आप जाकर चूज करके वहाँ से ला सकते हैं। जैसे इंसर्ट पिक्चर में करते थे उसी तरह यहाँ भी आप कर सकते हैं, खुल रहा है। अगर चाहते हैं इन बिंग इमेज लाना, ऑन ड्राइव पर्सनल लाना, या फाइल में जाकर लाना, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कोई भी फोटो, क्लिक करके देख रहे हैं, क्लिक अलग करेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा। इस तरह आप ला सकते हैं, पिक्चर भी ला सकते हैं। अगर पिक्चर को फिर डिलीट करना है तो पिक्चर पर जो हम हेडिंग दिए हैं उसको बैक स्पेस से डिलीट कीजिएगा, वो डिलीट हो जाएगा। इसमें दिए थे कि पिक्चर वाले हैं, पिक्चर वाले पे क्लिक किए, उसका बैक स्पेस दिए, अलग कर्सर रखें और डिलीट हो जाएगा। इस तरह पिक्चर भी ला के रख सकते हैं।
फॉर्मेट पिक्चर पिक्चर आएगा उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। गो टू हीडर, गो टू फुटर, फुटर हेड पे हेडर हेड इन फुटर पे जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट पेज, डिफरेंट पेज पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट पेज, इसमें इसमें आप इफेक्ट दिखाएगा आपको, ओल्ड इवेंट भी दिखाएगा, हेडर टोटल दिखाएगा, स्केल डॉक्यूमेंट अलाइन, देख रहे हैं अलाइन करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरह आप दे सकते हैं। हेडर फुटर में सेटिंग करने के दीजिए, फुटिंग में जाएंगे कुछ, फुटर में चाहिए तो फुटर में भी कुछ दे सकते हैं आप, है ना, पेज वन ऑफ टू कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वन टू जो देना है आपको पेज नंबर, वो सब आप देके यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग व्यू में पेज लेआउट पर हैं, उसके बाद कस्टम व्यू है। कस्टम व्यू में आप कोई पर्टिकुलर एरिया को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे पुराना बना हुआ है हम इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद सपोर्टर, देखिए ये छोटा डाटा अगर चाहिए, बहुत ज़्यादा डाटा इसमें है तो आप इसको, बहुत सारा डाटा रहने पर इसको उपयोग कर सकते हैं। सपोज डेट चाहते हैं इतना एरिया को हम कस्टम व्यू लगा दें, देख रहे हैं सेलेक्ट किए, सपोज डेट एक ही को सेलेक्ट करता हूँ या हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ, इसको इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके आप कस्टम व्यू कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिए, कस्टम व्यू किए, अब यहाँ पे ऐड करेंगे, इसका कुछ नाम दे देंगे, जैसे एबीसी नाम दे दिया, ओके ओके कर दिया। अब कर्सर आप कहीं रखें तो ये तो छोटा डाटा, अगर बहुत सारा डाटा रहेगा तो उसमें सेलेक्ट कहाँ किए, कलोगे अगर फाइल को ओपन कीजिएगा पता लगेगा कहाँ पे इंडिकेट किया था। तो इस तरह करने के लिए क्या है, हम लोग कस्टम व्यू का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट है अभी पता नहीं कहाँ पे किए, तो फिर क्या है कि देखिए कस्टम व्यू जो ही करेंगे तो ये शो कराएगा, देख रहे हैं कि आप इसको सेलेक्ट किए थे। कस्टम व्यू में देंगे, कस्टम व्यू में जाकर उसको फिर शो करा सकते हैं, जो नाम रहेगा इस पे जो नाम दिए रहेंगे उसको शो कराएगा तो बताएगा। देखिए अभी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है, कस्टम व्यू में गए, जिस नाम से हम लोग कस्टम लगाए थे उसको क्लिक करेंगे, शो करा लेंगे, देखिए वो बता दिया कि आप इसको किए हुए। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। कस्टम भी हो गया, रूलर, रूलर को हाईलाइट करने के लिए हम लोग रूलर का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल पेज लेंगे, कस्टम व्यू पेज लेआउट जब करेंगे तो ये हाईलाइट होगा, देख रहे हैं रूलर को अगर हाईलाइट करना है तो फिर रूलर को हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज डैट सीट पे थे तो रूलर को हाईलाइट करने के लिए हम लोग नॉर्मल पेज पे आ जाता हूँ। रूलर को हाईलाइट करने के लिए हम लोग को पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, देखिएगा है ना, पेज लेआउट आ गया। और रूलर क्या है, देखिए इंच में यहाँ पे है हेडिंग, अब इसको क्या है ऑन ऑफ कीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा ये, देखिए रूलर को हटाना है तो देख रहे हैं आ रहा है, ये हट रहा है इंच इंच, यहाँ से देख रहे हैं वन इंच टू इंच सेट किया हुआ है, ये रूलर बार ऑन ऑफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद गाइडलाइंस है, ग्रिड लाइंस, सॉरी ग्रिड लाइंस, देखिए ग्रिड लाइंस क्या है, टोटल जो एक्सेल का ग्रिड लाइंस वो हट जाएगा, फिर शो हो जाएगा, फिर ये हटेगा शो होगा, ये लाइनिंग जो है रो सेल वो देख रहे हैं डिलीट हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद। फार्मूला बार क्या है, यहाँ से फार्मूला जो सेक्टर एफएक्स फंक्शन है, एफएक्स है ये जो हटाना चाहते हैं तो इस यहाँ से फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे, देखिए ये सब टोटल सेल नेम जो दिया हुआ है सब हट जाएगा फार्मूला बार से। और इस तरह ऑन ऑफ है आपके कंप्यूटर में तो यहाँ से
अब सो हाइड करा सकते हैं। हेडिंग है, हेडिंग इसका हटाना है तो हेडिंग भी हटा सकते हैं, ला सकते हैं। अगर चाहते हैं आप जूम करना तो जूम भी कर सकते हैं। देखिए अभी 100% है, इसको चाहते हैं 70% कर दे, 70% हो जाएगा डाटा। फिर इसको 100% करना है, क्लिक कर दें 100% हो जाएगा। अगर इस डाटा को, पार्टिकुलर डाटा को हमको बड़ा करके देखना है, जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, देखिएगा क्या आता है, याद देखिए इतना बड़ा आ गया, जूम टू सिलेक्शन पे किए तो। फिर क्या है, 100% कर देंगे तो ये फिर 100% में आ जाएगा, या नॉर्मल पेज भी कर सकते हैं। न्यू विंडो, नॉर्मल पेज ले ले, न्यू विंडो में देखिए, न्यू विंडो क्लिक किए, उसके बाद व्यू में जाएंगे, फिर अरेंज ऑल कर देंगे, अरेंज ऑल करेंगे, यहाँ पे टाइड लेंगे, ओके कर देंगे। देखिए जो ये डाटा है ये दो पार्ट में बांट देगा, जो इसमें अगर सुधार कीजिएगा मेन डाटा में तो उसमें भी सुधार हो जाएगा। सपोज डैट हिंदी का नंबर 56 है, मैंने 100 कर दिया, देखिए इसमें सही कर रहे हैं, उसमें भी सही हो रहा है। तो इस तरह करने के लिए क्या है, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक को फिर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, तो विंडो हम लोग विंडो और अरेंजर से दो पार्ट में बांटकर पेज को एक में सुधारेंगे तो दूसरे में भी एडिट होगा। फ्रीज करना चाहते हैं, सपोज डेट यहाँ से इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर रखा उसके बाद फ्रीज कर दिए। अभी फ्रीज बोल रहा, देखिए फ्रीज पेंस, देखिए क्या है, ये डाटा जहाँ वहीं पे है, और ये क्या है, सेल 10 नंबर, देखिए 28, कर्सर घुमाइएगा तो ये आपका ऊपर नीचे करेगा, डाटा जहाँ है वहीं रहेगा। फ्रीज कर दिया, अनफ्रीज कर देंगे तो फिर देखिए पूरा डाटा ऊपर नीचे होगा। अगर चाहते हैं फ्रीज टॉप रो, केवल रो ही, ये जो रो है, ये रो है, यहाँ से यहाँ तक रो है, चाहते हैं कि हेडिंग केवल शो करे, बाद बाकी स्क्रॉल ऊपर नीचे हो डाटा, ओके। तो इसको रो को अगर फ्रीज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे रो को, क्लिक लेफ्ट बटन ऑन द व्यू मेनू, व्यू मेनू में जाएंगे, उसके बाद क्या लेंगे, फ्रीज पेंस, फ्रीज पेंस में यहाँ पर देखिए फ्रीज टॉप रो, टॉप रो करेंगे, देखिए ये फ्रीज हो गया, ये हेडिंग क्या है जहाँ वहीं रहेगा, फ्रीज हो चुका है, और डाटा नीचे से ऊपर करके इस तरह देख सकते हैं। फिर अगर अनफ्रीज करना चाहते हैं तो फिर अनफ्रीज पेंस पे क्लिक करेंगे, अनफ्रीज हो जाएगा, देखिए टोटल डाटा मूव करेगा। अगर चाहते हैं कॉलम को फ्रीज करना तो कॉलम को भी कर सकते हैं, तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या है, फ्रीज पेंस पे जाएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम करेंगे, देखिए फर्स्ट कॉलम करने के बाद क्या है, आप यहाँ से डाटा को देखिए लेफ्ट राइट करेंगे तो ये कॉलम ये जहाँ है वहीं पे रहेगा, बी सी केवल मूव करेगा, देख रहे हैं। तो आप कॉलम रो को फ्रीज करना भी समझ गए, जहाँ उपयोग होगा वहाँ कर सकते हैं। अनफ्रीज करना है तो फिर फ्रीज पेंस पे क्लिक करके लेफ्ट बटन, फिर अनफ्रीज पेंस पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, ये फिर हट जाएगा, फिर पूरा डाटा मूव होगा। तो जहाँ जिसका उपयोग है वहाँ पे कर सकते हैं। स्प्लिट करना है, देखिए स्प्लिट करने के बाद ये पार्ट में तोड़ देगा डाटा को, इस तरह आप कर सकते हैं, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे फिर हट जाएगा। हाइड करना है, देखिए डाटा हाइड हो गया, फिर डाटा को अनहाइड भी करते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, डाटा नेम देंगे, बुक नंबर 1, ओके, जो बुक रहेगा उसको देना पड़ेगा। अब व्यू साइड बाई साइड करना चाहते हैं तो एक फाइल ले लेता हूँ, उस पर मैं व्यू साइड बाई साइड ही बताता हूँ। सपोज डेट ये फाइल है, उसके बाद व्यू में गए, इसको व्यू साइड बाई साइड करना है, क्लिक करेंगे, अब देखिए ऊपर भी एक खुला हुआ है, नीचे भी खुला हुआ है, टू पार्ट में, देखिए यहाँ भी स्क्रॉल हो रहा है। फिर क्या, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये डाटा इस तरह मूव करेगा। रिसेट विंडो कर देंगे, देखिए ये मूव कर रहे हैं, इस तरह आप मूविंग करा सकते हैं डाटा को,
सिंक्रोनाइजेशन पे करेंगे वो सब डाटा मूव भी होगा, इसको भी मूव करा सकते हैं। तो जो डाटा ऊपर रहेगा वही डाटा दो पार्ट में ये हो जाएगा। सपोज डेट इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ तो क्या है देखिएगा, यहाँ से बुक टू वन तो खुला हुआ है, बुक टू यहाँ पे है, फिर वो शो हो जाएगा। इस तरह आप शो करा सकते हैं। फिर चलते हैं, एक को डिलीट कर क्लोज कर देता हूँ। फिर क्या है, व्यू में जाएंगे, माइक्रो है, माइक्रो में क्या है, अब ये डाटा है माइक्रो, क्या एक रिकॉर्ड करता है कोई भी एक्टिविटी माइक्रो ऑन कर देने के बाद, जो भी एक्टिविटीज कीजिएगा यहाँ पे वो शो कर देगा। माइक्रो में गए, रिकॉर्ड माइक्रो, रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रो नेम कोई माइक्रो नेम देंगे, ABC जो भी देना है। उसके बाद अगर इसको शॉर्टकट ही बनाना है तो शॉर्टकट ही बना सकते हैं, कंट्रोल प्लस ऐसा दीजिएगा जो कि पहले से शॉर्टकट नहीं है कंप्यूटर में। W देता हूँ, कंट्रोल प्लस W। उसके बाद क्या है, ये बुक में क्या रखेंगे, दिस बुक ही रखेंगे, दिस वर्कबुक रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ दे देंगे, जैसे हमको इसमें क्या करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है इसमें आप लिख सकते हैं। जो भी एक्टिविटी कीजिएगा, ये वर्ड भी पढ़े हुए सब है ना, फॉर्मेटिंग कुछ भी करें या लिख दीजिए और ओके कर देंगे। अब क्या है, ये माइक्रो ऑन हो गया। अब जो भी इसमें करना चाहते हैं कर सकते हैं, सब रिकॉर्ड करेगा। इसको चाहिए आपको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। इसमें कलर देना है, कलर दे सकते हैं। इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं, है ना। जो भी एक्टिविटीज देना है एक्टिविटी दे देंगे। कुछ अगर इसके बाद एक्स्ट्रा टाइप करते हैं तो टोटल रिकॉर्ड लेगा, इसमें टोटल रिकॉर्ड करते रहेगा। उसके बाद क्या है, सपोज देखता हूँ व्यू में माइक्रो, अब क्या स्टॉप माइक रिकॉर्डिंग कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कर रहा था, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिए, बंद हो गया। अब इसको देखना चाहते हैं तो व्यू माइक्रो में जाइएगा, देखिए जो नाम दिए उसको रन करा देंगे, देखिए ये सब टोटल शो कर देगा आपको। तो ये था माइक्रो हम लोग का, देख रहे हैं। शीट टू में आ गए हैं, यहाँ पे दिखा दिया आपको क्या क्या ये एक्टिविटीज किए हैं। यहाँ पे आ गए व्यू माइक्रो, ABC रन, देख रहे हैं जो न्यू न्यू एक्टिविटीज किए जो भी उसको दिखा देगा, वो रिकॉर्ड करके रख लेता है क्या आप ये टाइप किए हैं सीट पे। नया सीट पर भी जाके रिकॉर्ड को शो करा सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, व्यू मेन्यू पढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।